इटावा जनपद के एकदिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 जून को मोबाइल के विवाद में हुई फायरिंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने भाइयों को फंसाने के लिए साजिश के तहत अपने ही दोस्त से अपने ऊपर गोली चलवाई थी और अपने ही भाई को झूठे केस में फंसाने की कोशिश लगातार कर रहा था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। इसका नाम सत्यम तोमर है, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। सत्यम तोमर वह शख्स है जिसने 1 जून की रात्रि में यह बताया था कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने फायर किया था, जिससे उसके पैरों में गोली लगी थी। उसके तहरीर पर 3 युवकों के विरुद्ध अभियोग जो है पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना में यह पाया गया कि सत्यम तोमर अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर साजिशन 3 युवकों को वह फंसाना चाहता था, जिसके कारण उसने अपने ऊपर अपने मित्रों के साथ मिलकर स्वयं ही अपने पैरों में जो गोली मारी थी। इस अभियोग से संबंधित 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी 4 तारीख को हो चुकी है, उनको जेल भेजा जा चुका है। उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 पिस्टल, 3 कारतूस खोके। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कोरोना का कहर लगातार जारी है, लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में पेट्रोल, डीजल और राशन की सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रदेश की गरीब जनता कोरोना से कम बल्कि पेट की भूख से ज्यादा परेशान है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अपने घर में रहकर केंद्र सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर बैठी बीजेपी की सरकार को पूर्ण रूप से निकम्मी सरकार कहते हुए प्रदेश में बढ़ती महंगाई के दामों पर रोक लगाने की मांग कर डाली। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी की सरकार की कड़ी निंदा की। नमस्कार, मैं शकुंतला खरे, संयुक्त सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ एवं महामंत्री प्रदेश महिला कांग्रेस। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई को रोकने में पूर्णतः नाकाम रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित राशन की सभी वस्तुएं महंगी हो गई है, जिससे महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाए। आटा महंगा, तेल महंगा, महंगा हुआ पेट्रोल, देश रो रहा महंगाई से, मोदी कुछ तो बोल। चलिए लखीमपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। लखीमपुर में कोविड वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार देखने को मिली है। जिले में किया गया है महज 10% टीकाकरण, लोगों में जागरूकता नहीं बढ़ा पा रहा है प्रशासन, बड़ी लापरवाही प्रशासन पर यहां पर लगाई गई है। आपको बता दें, नए DM के लिए टीकाकरण को बढ़ाना चुनौती बन चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने में कमजोर साबित हुआ है प्रशासन, वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लखीमपुर में कोविड वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार देखने को मिली है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिले में महज 10% टीकाकरण किया गया है, जानकारी का अभाव लोगों में जहां देखने को मिला है, वहीं आरोप प्रशासन पर भी कि ढीला रवैया प्रशासन बरत रहा है इस पूरे मामले पर। तो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आर्या न्यूज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। नए DM के लिए टीकाकरण को बढ़ाना बेहद चुनौती भरा सबब यहां पर बन चुका है।